नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। कोरोना को लेकर बोले यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा है कि कोरोना के आज केवल 3 नए केस मिले हैं और 5 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। कुल एक्टिव केस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 106 केस रह गए और साथ ही रिकवरी जो है दर है वो 98.6% बनी हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कल 54,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। उज्जैन के मामलों में यहाँ पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह को यहाँ पर तुष्टिकरण के लिए ऐसे ही लोगों के पक्ष में खड़े होना है। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अद्भुत श्रवण क्षमता है उनकी, और साथ ही वो जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें पाकिस्तान ले जाएं। दिग्विजय सिंह जो यहाँ पर मदद लगेगी मैं कर दूंगा। उज्जैन वाले यहाँ पर मामले को भी उन्होंने वीडियो को लेकर उन्होंने कहा है कि इस पर मामले को लेकर जांच हो रही है। हिंदू नाम रखकर चूड़िया बेचने का काम वो युवक कर रहा था, ये जांच में निकलकर सामने आया है, जबकि वो दूसरे समुदाय का था। उस आरोपी के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं और साथ ही दोनों पक्षों पर यहाँ पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 3 प्रकरण कोरोना के आए हैं। 5 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 106 एक्टिव केस कोविड के कुल बचे हैं। इसी तरह सुधार रहा तो उम्मीद करते हैं कि ये 106 भी घटके अब 2 अंकों पे आ जाएंगे।